वेलकम बैक फ्रेंड्स इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द इनिबिटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड देन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन को डिटेल में डिस्कस किया था वहां पर कौन कौन से प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं देन वहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी देन उसके बाद हमने ये जो कॉम्प्लेक्स फाइव है ए टी पी सिंथे जिसे हम एफ नॉट एफ वन ए टीपीएस भी कहते हैं उसके बारे में डिटेल डिस्कस किया था वहाँ पर वहाँ पर उसका स्ट्रक्चर देखा था उसके फंक्शन देखे थे एंड देन जो बाइंडिंग चेंज मैकेनिज्म है ए टी पी सिसिसिस का उसे भी हमने डिस्कस किया था सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द इनहिबिटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वन क्या करता है वो एन से इलेक्ट्रॉन लेता है एंड देन जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर जिसे हम यूबी कहते हैं उसके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है ये काम है कॉम्प्लेक्स वन का यहाँ पर देखिए यहाँ पर एफ एम एन है एंड देन उसके बाद क्या है आयन सल्फर सेंटर से तो पहले यहाँ पर एन से इलेक्ट्रॉन जो है वो एफ के पास आते हैं देन एफ क्या करता है वो उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है टू तो द आयन सल्फर सेंटर्स यहाँ पे कुछ आयन सल्फर सेंटर्स होते हैं एंड देन फाइनली ये जो आयन सल्फर सेंटर्स है उनके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो उनके पास ट्रांसपोर्ट होते हैं यहां पर कुछ इनिबिटर्स है कॉम्प्लेक्स वन के उनके नाम है रोटिनोन देन सेकेंड इज अमाइटल देन बारबिट्यूरेट्स एंड लास्ट वाला जो है वो है पायरेसिल ए अब ये ये जो रोटीनोम और अमाइडल है उनका जो मोड ऑफ एक्शन है वो सेम है वो क्या करते हैं यहाँ पे हमने पढ़ा था कि ये एफ़एस ई से इलेक्ट्रॉन जो है वो यूबिकोन के पास जाते हैं लेकिन ये रोटीनोम और अमाइडल क्या करते हैं ये जो स्टेप हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफ से यूबिकोन के पास ट्रांसपोर्ट होते हैं इस वाले स्टेज को ब्लॉक करते हैं ठीक है थीके? तो अल्टीमेटली क्या होता है कॉम्प्लेक्स वन जो है वो इनिबिट हो जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो है वो इनिबिट हो जाता है देन बारब्यूट क्या करता है बारबिटोरेट्स डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स वन को इनिबिट करता है ठीक है यहाँ पर और ये जो पैरेसिडिन है इसका जो मोड ऑफ एक्शन है इसका जो मैकेनिज्म है वो अलग है पैरासिडिन ए क्या करता है यहाँ पर वो कम्पिट करता है इस मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर के साथ ठीक है यहाँ पर ये जो पायरेसिलिन ए है ये कंपीट करता है यूबिकोन के साथ तो इससे क्या होता है जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम दिस आयन सल्फर सेंटर्स ठीक है centers, तो वो यूबिकोन के पास नहीं जाते वो डायरेक्टली क्या करते हैं पायरेसिलिन ए के पास आते हैं ठीक है थीके? तो पहला जो है वो रोटिनोम दूसरा जो है वो अमाइटल देन बारब्यूटोरेट्स एंड जो फोर्थ वाला है वो है पायरेसिलिन ए देन ये जो कॉम्प्लेक्स टू है उसका नाम है सक्सेनेट डिहाइड्रोजेस और कॉम्प्लेक्स टू को जो इनिबिटर्स है वो है मेलोनेट मैलोनेट इनहिबिट कॉम्प्लेक्स टू एंड देन जो दूसरा है वो है कार्बोक्सिन ठीक है मैलोनेट एंड कार्बोक्सिन क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स टू को इनहिबिट करते हैं देन जो कॉम्प्लेक्स थ्री है उसका नाम है साइटोक्रोम बी सी वन कॉम्प्लेक्स और यहां पर जो इनिबिटर्स है वो है एंटीमाइसिन ए दूसरा है वो है बाल जिसे हम कहते हैं ब्रिटिश एंटी या फिर डायमर कैपरॉल ठीक है एंटीमाइसिन ए एंड देन जो दूसरा है वो है बाल इन दोनों के जो मोड ऑफ एक्शन है वो सेम है वो क्या करते हैं यहाँ पर देखिए अगर कॉम्प्लेक्स थ्री के पास हम देखें यहाँ पर डायग्राम में देखें तो यहाँ पर यूबिकोन के पास इलेक्ट्रॉन्स आते हैं फ्रॉम कॉम्प्लेक्स वन एंड कॉम्प्लेक्स टू देन यहां पर क्या होता है यहाँ पर ये यह जो मैकेनिज्म इसे हम कहते हैं क्यू साइकिल ठीक है यहाँ पर ये जो साइटोक्रोम सी है जो दूसरा मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर वो क्या करता है एक ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है वन एट ए टाइम एक ही इलेक्ट्रॉन को वो लेता है तो यहां पर क्या हो जाता है क्यू साइकिल हो जाता है क्यू यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर ये जो यूबीक है उससे इलेक्ट्रॉन जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो सीधे या यहां पर जाता है जैसे हम कहते हैं आयन सल्फर सेंटर्स एंड देन आयन सल्फर सेंटर क्या करता है उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं साइटोक्रोम सी के पास एंड देन साइटोक्रोम सी क्या करता है उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है साइटोक्रोम सी के पास ठीक है लेकिन यहाँ पर जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसका क्या होता है यहाँ पे वो पहले जाता है साइटोक्रोम बी एल के पास देन साइट साथोक्रो, साइटोक्रोम बी एच के पास एंड देन टू द यू एंड यहाँ से फिर से साइटोक्रोम सी के पास जाता है तो यहाँ पर ये यह जो एंटी ए और बाल है ये क्या करते हैं ये इनिबिट करते हैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट फ्रॉम दिस साइटोक्रोम बी टू तो साइटोक्रोम सी ठीक है एंटी एंड देन बाल जो कॉम्प्लेक्स फोर है उसका नाम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और उसके जो इनिबिटर्स है वो है साइनाइड ठीक है देन कार्बन मोनोक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड यहां पर जो आजाइड है वो क्या करता है यहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट जो है वो ब्लॉक करता है कैसे ब्लॉक करता है अजाइड अजाइड यहां पर यहां पर देखिए साइटोक्रोम सी से इलेक्ट्रॉन कॉपर ए के पास आता है सी यू ए के पास देन सी साइटोक्रोम ए के पास देन साइटोक्रोम ए थ्री कॉपर सेंटर बी के पास आता है एंड देन टू ऑक्सीजन ठीक है तो यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स फोर है जिसका नाम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज वहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं ऑक्सीजन के पास तो ये वाले जो स्टेज है जहाँ पर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज से इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन के पास जाते हैं ये वाले स्टेज ब्लॉक करता है अजाइड एंड यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स फाइव है उसके भी कुछ इनिबिटर्स है उनके नाम है ओलिगोमाइसिन ओलिगोमाइसिन देन वेंड्यूरिसिडीन देन डीसीसीडी एंड देन ऑरोवर्टीन यहाँ पर ऑलिगोमाइसिन है देन वेंटेरिसिडिन है देन डीसीसीडी है एंड देन ऑरोवर्टिन है यहाँ पर जो ऑरोवर्टिन है ये क्या करता है इट इनिबिट एफ वन कंपोनेंट ऑफ ए सिंथेस ये वाला जो एफ वन कंपोनेंट है उसे इनिबिट करने का काम यहाँ पे करता है ऑरोवर्टिन देन

एफ सी सी पी दीज आर अनकाप्लस डी एन पी एंड एफ सी सी पी ये क्या करते हैं जनरली अनकाप्लस क्या करते हैं यहाँ पर दो प्रोसेस होते हैं एक तो होता है ऑक्सीडेशन और दूसरा जो होता है वो है फॉस्पोरेशन तो ये अनकपलर क्या करते हैं ऑक्सीडेशन एंड फॉस्पोरेशन को अनकपल करते हैं अलग करते हैं ठीक है, है? यहाँ पर वो ऑक्सीडेशन को अलाव करते हैं लेकिन यहाँ पर वो ए टीपी सिंथेसिस को अलाव नहीं करते उसको इनिबिट करते हैं उसे हम कहते हैं अनकप्लस यहाँ पर दो अनकाप्लस हैं dnp and then fccp so this is all about the inhibitors of electron transport chain and some uncoupler so if you like this video please hit the like button share this video with your friends thank you